आओ शीरी जबान फारसी सीखें। मैं कैसर रजा हुसैनी, सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। फारसी जबान सीखने का सुनहरी मौका। जी नाजरीन, ईरान कल्चर हाउस हार घर नवी मुंबई की जानिब से ऑनलाइन मुफ्त यानी फ्री फारसी कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। हमारे साथी तिवारी 20 साल सीनियर मौलिम दारियूश से बातचीत कर रहे हैं, जो आपकी नजर कर रहे हैं। ख्वाहिशमंद हजरत ईरान कल्चर हाउस से दिए गए फोन नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा नाम मधुसूदन तिवारी है और मैं सदाकत न्यूज चैनल से हूँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ईरान कल्चर हाउस जो है, ये क्या स्टेप ले रहा है? चूंकि जो फारसी लैंग्वेज है, ये दो देशों के बीच में ब्रिज का काम करती है, लेकिन जो कॉमन इंडियन पीपल है, उनके लिए आप क्या स्टेप ले रहे हैं कि फारसी लैंग्वेज के साथ उनका जुड़ाव हो और ईरान के बारे में जाने? ईरान कल्चर हाउस जो है, वो अपने फॉर दिस सोसाइटी बहुत काम कर रहे थे। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं, लीफलेट छाप के जो कॉलोनीज रहते हैं ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, वहाँ लीफलेट्स रखते हैं। बाय दैट वो हिसाब से जो लोग ज्यादा बच्चे लोग को भेजे और फारसी सीख सके। और कितना सालों से जो ईरान कल्चर हाउस है, दे आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट कि सब कम्युनिटी के लोग यहाँ आके फारसी सीखे और ईरान के साथ जो बिजनेस करना चाहते हैं, ईरान जाना चाहते हैं टूरिज्म के लिए, दूसरा कुछ कामकाज के लिए, वो लोग जा सके आ सके। और जो प्रॉब्लम रहेगा तो ईरान कल्चर हाउस के अंदर जो डायरेक्टर है और दूसरा जो एम्प्लॉइज है, वो लोग को मदद कर सके। ओके जी। यानी कि आपके हिसाब से ये मकसद ईरान कल्चर हाउस का ये है कि दो देशों के बीच में कॉमन टू कॉमन जो कॉमन पीपल है, उनके बीच में रिलेशन बिल्डअप हो लैंग्वेज के थ्रू, और एक दूसरे की हिस्ट्री को, एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के लैंग्वेज को वो जाने, एक दूसरे के करीब आए। करेक्ट करेक्ट सर। लेकिन ये किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे आप भी जानते हैं कि करीब हमारा 125 करोड़ की आबादी है से ज्यादा है, तो यहाँ पे जो लोग हैं उनकी मिनिमम जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हिंदी से फारसी में कैसे कैसे उनको कितना कितना ये रहेगा, किस तरह से आप लोग उस चीज को देखते हैं कि वो मतलब सीखने में? क्योंकि बहुत जो वर्ड्स जो रहता है हिंदी का, वो पर्शियन से लिया हुआ है। ओके। और सीखने में फारसी बहुत आसान है, शीरीन जबान है, इट इज अ स्वीट लैंग्वेज। तो जो लोग जब तक मैं यहाँ सिखाता हूँ और दूसरा बाजू भी सिखाता हूँ, मैं देखता हूँ कि बच्चे लोग, बड़े आदमी लोग, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड वो जबान सीखने के लिए। कितना टाइम से आप फारसी लैंग्वेज सिखा रहे हैं? मैं 20 साल से। 20 साल काफी काफी लोगों में को आपने सिखा दिया होगा। जी, 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 तो इसका कुछ इम्पेक्ट देखने को अब तक क्या आपके हिसाब से कैसा रहा? वो जो हमारा जो सेमिनार रहता है, कॉन्फ्रेंस रहता है, दूसरा जो मीटिंग्स रहते हैं, जो उसमें मेंबरशिप का ए है, तो वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, फारसी में बात करते हैं, और वो हिसाब से अपन देखते हैं कि दे आर एनकरेज एंड दे आर हैप्पी विद दैट। इजी लोग फारसी लैंग्वेज की सीखे, इसके लिए आप क्या टेक्नोलॉजी, क्या टेक्निकली क्या क्या चीज यूज करते हैं? जी जी, इजी वे से, इजी तरीके से आसानी से लोग फारसी लैंग्वेज सीखे, इसके लिए आप क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? ये जो हमारे जो क्लास रहता है, इट इज रीडिंग, राइटिंग एंड एवरीथिंग। सो खास करके हम लोग ऐसा बोलो 60% कॉन्वर्जेशन सिखाते, कॉन्वर्जेशन सिखाते, वो हिसाब से वो लोग के लिए इजी रहता है, क्योंकि जो वर्ड्स रहता है वो लोग के कान के ऊपर जो ए होता है, वो हिसाब से वो लोग जल्दी सीखते हैं कॉन्वर्जेशन।